क्षत्रिय समाज में राजकोट लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट न मिलने को लेकर भाजपा के खिलाफ ही पूरे समाज ने जंग छेड़ दी है। गुजरात में 7 मई से पहले ही क्षत्रिय समाज ने 4 महासम्मेलन और जनसभाओं का आयोजन करने का सोचा है ताकि भाजपा का पुरुषोत्तम कुमार का टिकट काटने पर विरोध किया जा सके। 7 मई के गुजरात में लोकसभा चुनाव का मतदान होगा। क्षत्रिय समाज फिलहाल केंद्रीय मंत्री रूपाला द्वारा दिए गए बयान से भी नाराज हैं कि कई राजपूत शासकों ने ब्रिटिश और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की मदद की और उनसे रोटी और बेटी के संबंध रखे। हालांकि रूपाला और उनके बयान को लेके माफी मांग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राजपूत समन्वय समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने बुधवार को राजकोट के सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि उनका यही लक्ष्य है कि भाजपा को कम से कम 10 सीटों पर भाजपा को हराना है। जहां भी राजपूत बड़ी संख्या में है, राजकोट, सुरेंद्र नगर, जामनगर, भावनगर, कच्छ, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, मेहसाणा और भरूच में राजपूतों की बहुत अधिक संख्या है। करण सिंह चवाड़ा ने ये भी कहा कि हम मतदान के दिन से पहले ही भाजपा की हार सुनिश्चित करेंगे, इसलिए हम 4 महासम्मेलन और जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। 27 अप्रैल को बसनगर में, 28 अप्रैल को बरडोली में, 1 मई को आनंद शहर में और वहीं 2 मई को जामनगर में सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जामनगर में सभा के बाद क्षत्रिय समाज राजकोट पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा और अन्य समुदायों को साथ लेकर रूपाला को हराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बताते हुए कहा कि यह सिर्फ राजपूत महिलाओं की ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है। चावड़ा ने यह तक बताया कि हमारे सदस्यों ने पहले से ही बाढ़ से लेकर गांव तक के अलग अलग स्तर पर कार्यालय तैयार हैं और छोटे समुदाय मतदाताओं के समर्थन के लिए सभाएं की जा रही हैं।